हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेपर्स एडुकेशन। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई सीए मोहित तापड़िया। और अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकेंड सब्जेक्ट। आप लोगों को ये कोर्स जो मिला है वो कोर्स हमने प्रॉमिस किया है कि हम यहाँ पे चारों मेन सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस अपलोड करेंगे। ये कोर्स सिर्फ पेड बच्चों के लिए किया जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा एक बार सारे बच्चे एनरोल हो जाए, उसके बाद में कुछ पर्टिकुलर लेक्चर्स आपके लिए लाइव लेने की भी ट्राई करूंगा। जैसे जैसे मेरे पास टाइम रह पाएगा तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि रिकॉर्डेड लेक्चर में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा आपके लिए। मैं सारे कंटेंट यहाँ पे रिकॉर्डेड आपके लिए डालते जा रहा हूँ। आपका सिर्फ काम रहेगा बैठे बैठे घर पे लर्न कीजिए, पढ़िए। जितना डिटेल में मैं आपको पढ़ा सकता हूँ मैं पूरी कोशिश करूंगा, बस आप खाली मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओसीएम, जिसका हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलिए, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक डिस्कशन करते हैं कि भैया मैनेजमेंट होता क्या है। सो मैनेजमेंट की बहुत सारे डेफिनेशंस लिखी गई है, जिसमें सबसे सिंपल और सबसे फाइनल डेफिनेशन है दैट मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। एक ऐसा आर्ट जिससे आप अपने लोगों से काम करवाना जानते हैं, अच्छी तरीके से काम कंप्लीट करवाना जानते हो, दैट इज बेसिकली मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट एक आर्ट है जहां पे आप अपने सबॉर्डिनेट से अपने सारे काम करवा लेते हो, उनके गोल को अपने गोल से मर्ज करते हो, उनसे ऐसे काम करवाते हो जिनसे उनका भी गोल अचीव हो और आपका भी गोल अचीव हो, तो उसे कहा जाता है मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। हम नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी फैमिली में भी कभी कभार कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो इतने मीठे होते हैं, इतने प्यारे से काम करवाना जानते हैं कि क्या कहूँ। जैसे कि मेरी बड़ी मम्मी को ले लेते हैं। मेरी बड़ी मम्मी इतनी सॉफ्ट स्पोकन है कि उनको पता है कि मुझसे काम कैसे करवाना है। अगर मैं सो रहा हूँ, संडे का दिन है, वो चाहते हैं कि मैं घर में कुछ काम में उनको हेल्प करूँ, तो प्यार से मेरे पास आएंगे, मेरे सर पे हाथ घुमाएंगे, कहेंगे बेटा मुझे पता है तू बहुत थक गया, संडे तुझे आराम करना चाहिए, तेरे को एक ही तो दिन मिलता आराम करने के लिए, पर आज एक काम करना, बहुत देर से सो लिया, एक काम करना, थोड़ा उठ के ये काम करवा देना, थोड़ा वो काम कर देना। दिस इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। शी नोज कि अगर मुझसे झगड़ा करोगे तो शायद मैं काम नहीं करूँ, बट अगर प्यार से कहोगे तो मैं काम कर दूंगा। दिस इज मैनेजमेंट, दिस इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कितनी भी किताबें हो, कितनी भी कॉलेज हो, जो मैनेजमेंट को सिखा नहीं सकता। मैनेजमेंट एक ऐसी टेक्निक है जो आदमी करते करते सीखता है। इसलिए हम मैनेजमेंट में आपको सिर्फ ये समझा सकते हैं कि आपको क्या करना है। अब उस चीज को आप कितना बेहतर तरीके से करते हो प्रैक्टिकल लाइफ में, वो कंप्लीटली आपकी योग्यता पर डिपेंड करता है। एक अच्छा मैनेजर सिर्फ नॉलेज ग्रहण नहीं करता, वो उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट भी करता है। एंड मैं सच्ची बताता हूँ, नॉलेज लेना बहुत ईजी है, बट आपके अंदर के नॉलेज को रियल मार्केट में इम्प्लीमेंट करना बहुत टफ है, एंड दैट इज ट्रू स्किल ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये हमारे नोट्स है, मैंने आपको पहले भी कहा था, जिन किसी को भी हमारे नोट्स खरीदने होते हैं, अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप हमें मेल करिए, हम आपको हार्ड कॉपी भेजेंगे। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो वो ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप आराम से वहां से सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, सो अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। सो मैनेजमेंट की बहुत सारे मीनिंग, बहुत सारे डेफिनेशन है, बट जैसे कि मैंने कहा था, मैनेजमेंट की सबसे सिंपल डेफिनेशन ये होती है कि मैनेजमेंट एक किस तरीके से आप काम करते हैं, सबकी कोऑपरेशन से, सबसे सबकी मदद से, दैट इज बेसिकली मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट की बहुत डेफिनेशन में से ये मेरी फेवरेट डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ये डेफिनेशन सबसे शानदार, सबसे फाइनल डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन सबसे सिंपल डेफिनेशन है। सो दिस इज बेसिकली मैनेजमेंट। और भी बहुत सारे लोगों ने, जॉर्ज टेरी ने, लिविंगस्टन ने बहुत डेफिनेशंस दिए, बट स्टिल मिस्टर डोनल इज द बेस्ट। ओ डोनल की डेफिनेशन सबसे सुपर्ब डेफिनेशन मानी जाती है। तो चलिए अब हम सबसे इंपॉर्टेंट आंसर की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट आर द बेसिक नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बेसिक नेचर क्या है, यानी कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये बेसिक 6-7 कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट की यहाँ लिखी गई है। मैंने जैसे कि कहा था, हमारे सारे नोट्स टेक्सुअल बेसिस पे होते हैं, हम आपके टेक्स्ट बुक को इजी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गुजरात बोर्ड टेक्स्ट बुक के बाहर के आंसर्स को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए मेरी सारी हेडिंग्स मोस्टली वही होती है जो टेक्स्ट बुक में होती है। अंदर के कॉन्टेंट को हम रिडिजाइन करके आपके लिए प्रेजेंट करते हैं, मेमोराइज करने के लिए ईजी बनाते हैं, आपके काम को सिंपल करते हैं, बुक को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, यही हमारा काम है, राइट। तो चलिए हम बात करते हैं कि मैंने नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है। ये आंसर 4-star आंसर है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, बहुत इजी है। तो मेरा ये मानना होता है कि ये पूछना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है, बट फिर भी एग्जामिनर को हर बार अच्छा लगता है। तो ये आंसर बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैं इसको 4-star आंसर मानता हूँ। चलिए
स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। सबसे पहला, मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि भैया छोटी कंपनी में मैनेजमेंट नहीं चाहिए, बड़ी कंपनी में मैनेजमेंट चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। हर आदमी को हर जगह मैनेजमेंट चाहिए, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो घर हो, या चाहे वो शादी हो। हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब हमारे घर में शादी होती है, हमारे घर के सबसे बुजुर्ग, जो लगभग लगभग हमारे बड़े पापा होते हैं, वो खाली कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं, हाथ में 10-15 पेपर या एक आधी फाइल लेके। अब उनका मैनेजमेंट का रोल होता है, वो कुछ काम नहीं करते, बट वो डेलीगेट करते हैं। उनका काम है, ये वाला काम तूने किया कि नहीं किया, ट्रांसपोर्ट वाले से बात हो गई, गाड़ी बाहर खड़ी है कि नहीं खड़ी है, मिठाई वाला आ गया कि नहीं आ गया, हलवाई का काम बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उनका सिर्फ काम होता है मैनेज करने का। दिस इज मैनेजमेंट। पूरी की पूरी शादी वो एक कुर्सी पे बैठे बैठे मैनेज कर लेते हैं। दिस इज मैनेजमेंट। इसलिए मैं कहता हूँ मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। मैनेजमेंट अत्र तत्र सर्वत्र है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। एज ए स्टूडेंट अगर आप पढ़ाई करने बैठते तो आपको भी मैनेजमेंट चाहिए कि कितने घंटे में कितना पढ़ाई होना चाहिए, कौन सी किताब से पढ़ना है, कौन टीचर से पढ़ना है, कितने लेक्चर्स में कितना टाइम हमारा स्पेंड करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है। दिस इज बेसिकली मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट हर जगह होता है। सेकेंड वन, गोल ओरिएंटेड। भैया मैनेजमेंट करने से पहले गोल देना जरूरी है। आप हवा में मैनेजमेंट नहीं कर सकते। अगर मैं मेरे किसी स्टाफ को या किसी टीममेट को मैनेज कर रहा हूँ तो मैं उसको एक टारगेट दूंगा। टारगेट अचीव होने पे सेलिब्रेट करेंगे, टारगेट नहीं अचीव होने पे करेक्शंस करेंगे, बट एक गोल होना बहुत जरूरी होता है। बिना गोल के मैनेजमेंट कभी नहीं होता भाई, अंधेरे में तीर मारने वाली बात हो जाती है। सो मैनेजमेंट हमेशा एक गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है, इसलिए मैनेजमेंट इज ऑलवेज ए गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। लास्ट इज ग्रुप एक्टिविटी। अकेले बंदे को क्या ही मैनेज करोगे यार, तो मैनेजमेंट के लिए एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, एक ग्रुप होता है, एक सबॉर्डिनेट होता है, एक सुपीरियर होता है, तब मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी। किसी एक आदमी के अच्छे काम करने से कंपनी आगे नहीं बढ़ती है। एक कंपनी को, एक ग्रुप को अगर आगे बढ़ना है तो सबको मिलकर अच्छे से काम करना पड़ता है। देयरफॉर मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। इट्स ए कंटीन्यूअस प्रोसेस। कोई ऐसा कहेगा कि भाई साल के स्टार्टिंग में मैनेजमेंट कर लिया, पूरे साल करने की जरूरत नहीं, भैया ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट हर बार 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 लगातार करना पड़ता है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि मैनेजमेंट का काम सिर्फ ये नहीं कि काम दे दो। काम देने के बाद देखना पड़ता है काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टाइमलाइन पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो कहाँ डिस्क्रिपेंसीज आ रही है, कहाँ करेक्टिव एक्शंस की जरूरत है, कहाँ प्रिवेंटिव एक्शंस की जरूरत है। ये सब काम मैनेजमेंट का होता है। देयरफॉर इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, मैनेजमेंट इंसानों से डील करता है, ह्यूमन से डील करता है। इट्स ए ह्यूमन प्रोसेस। तो भैया इंसानों से डील करना दुनिया में सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। आप मशीन को पूरे दिन काम करवा सकते हो, इंसान पूरे दिन काम नहीं कर सकता। मशीन रोती नहीं है, थकती नहीं है, हारती नहीं है, इमोशंस नहीं होते। इंसान रोता भी है, थकता भी है, हारता भी है, इमोशनल भी होता है। सो उसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए जब कभी भी ह्यूमन को मैनेज करने की बारी आती है, मैनेजमेंट की सबसे बेहतरीन स्किल निकल के बाहर आती है, क्योंकि ह्यूमन को मैनेज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। नेक्स्ट, डिसीजन प्रोसेस। मैनेजमेंट के अंदर आपको बहुत बार डिसीजंस लेने पड़ते, क्विक फटाफट टॉपिक आ गया, मुद्दा आ गया, डिसीजन लेना पड़ेगा। सो मैनेजमेंट के अंदर आपका डिसीजन मेकिंग का बहुत बार टेस्ट होता है। सो एक क्विक डिसीजन मेकिंग की बहुत जरूरत पड़ती है टू बी अ गुड मैनेजर। एंड द लास्ट इज, ये आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है, या प्रोफेशन है, या तीनों है, राइट? ये हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, बट एक तरीके से हम अभी मान लेते हैं कि मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट आर्ट भी, और मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है। क्यों है, क्या है, कैसे है, आगे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर ऑफ द डे। ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लेना। एक चीज और ध्यान देना, एग्जामिनर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है आपके लिए, क्योंकि आप कितना भी अच्छा पेपर क्यों ना लिखो, एग्जामिनर की आंखों को वो पेपर अच्छा लगना चाहिए। तो इसलिए आपका काम क्या होता है, आपका काम ये होता है कि जब कभी भी आप पेपर लिखो, आप सबसे पहले मार्क्स के अकॉर्डिंग पेपर लिखो। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क में पूछा जाएगा तो मैं फटाफट ये डायग्राम बनाऊंगा नहीं, मैं खाली सारे पॉइंट लिखूंगा और उन पॉइंट को 3-3, 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दूंगा, काम खत्म। बट अगर यही क्वेश्चन 4 या 5 मार्क में पूछा जाएगा, मैं सुंदर सा पहले एक डायग्राम बनाऊंगा, फिर नीचे जाके मैं एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे 5 मार्क दिलवाने वाला है। सो प्लीज मेक श्योर मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखे, क्योंकि अगर 3 मार्क में बड़ा लिखोगे तो पेपर छूट जाएगा, और 5 मार्क में छोटा लिखोगे तो एग्जामिनर बोलेगा तुमने तो हल्के में ले लिया मेरे को। तो आपको दोनों तरफ मार्क्स को इंपॉर्टेंस देना है। सो 5 मार्क का आंसर हो तो हमेशा याद रखोगे, आप डायग्राम बनाओगे बनाओगे यानी कि बनाओगे,
डायग्राम बना नहीं है अगर 5 मार्क का आंसर हो तो 3 मार्क के आंसर्स में डायग्राम मत बनाना, अगर आपकी राइटिंग स्पीड स्लो है तो पहले पेपर कंप्लीट करिए, चलेगा। तो चलिए, ये हो गया हमारा आज का पहला आंसर। ये सारे पॉइंट्स है जो मैंने आपको समझाए थे, आप आराम से इस नोट्स में से घर बैठ के डिटेल में पढ़ सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, अगेन दिस इज 4-स्टार आंसर, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखिए 4-स्टार आंसर मैं किसे 4-स्टार रेटिंग देता हूं जो एग्जाम में पूछा गया, बट मेरे अकॉर्डिंगली इस एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 50-50% है। 5-स्टार में जिसको देता हूं मतलब वो 100% पूछा जाएगा। 3-स्टार मतलब भैया पढ़ लीजिए, आपका नसीब एकदम बेकार होगा तो 3-स्टार पूछेंगे, बट एग्जाम में पूछे गए इसलिए हम उसको इंपॉर्टेंट गिनते हैं। तो चलिए